एक्सिस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड सिस्टम को अपग्रेड कर लिया। इससे पहले मैंने नोटिफिकेशन भी आपको वीडियोस बना के दिया था कि क्रेडिट कार्ड को सिस्टम को यहाँ पर एक्सिस बैंक अपग्रेड करे। इसके लिए यहाँ पर दो दिनों तक बंद रहेगा। आप लोगों ने देखा भी होगा एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन, आपने लॉगिन किया होगा, क्रेडिट कार्ड सेक्शन में आपका डिटेल्स नहीं दिख रहे हो। कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन मिला होगा कि 8 से 10 तारीख तक ये चीज़ें बंद रहेगी, सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा था। फाइनली अपग्रेड हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई, पूरा न्यू इंटरफेस यहाँ पर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड सेक्शन में चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे थे कि पेमेंट वगैरह कैसे करना, क्योंकि वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन हटा दिया गया है। और भी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो गई है, जैसा स्टेटमेंट वगैरह चेक करना है, और यहाँ पर टोटल कंट्रोल्स जो ऑन ऑफ करने का ऑप्शंस वगैरह होता है, मॉडिफाई करने का, वो सारी चीज़ें बदली है। तो इस वीडियो में डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, तो चीज़ों को आप समझ पाएंगे और एक्सिस में मोबाइल एप्लीकेशन से ही पेमेंट कर पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करने ला, ओपन करने के बाद आप लॉग इन पर क्लिक करना है। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आप अपना एम पिन डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट कार्ड सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। चीज़ें यहाँ पर लोडिंग में चेंजिंग नहीं हुई, यहाँ पर इंटरफेस थोड़ा लोड लेता है, पहले भी लेता था, अभी भी ले रहा है। बहुत बार ये चीज़ें नहीं दिख रही, डिटेल्स वगैरह पिछले एप्लीकेशन में आपने देखा होगा, आपका 2-3 कार्ड होगा तो डिटेल्स वगैरह हाइड हो जाती थी। अब ये चीज़ें नहीं हो रही है, यहाँ पर वेट हो रहा है, लेकिन चीज़ें अब डिटेल्स में दिख रही है। तो यहाँ पर जितने भी आप क्रेडिट कार्ड हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे देख सकते हैं मेरे यहाँ पर 3 कार्ड ऐड हैं, एक्सिस का फ्लिपकार्ट, यहाँ पर वर्ल्ड प्रिवेज और यहाँ पर एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड जो था, तीनों का डिटेल्स यहाँ पर दिख जाए। जितने भी ड्यू बाकी होंगे यहाँ पर ऊपर में ही आपको दिख जाएगा ड्यू डेट कब है और टोटल ड्यूज़ कितना है। जैसे कि मैं एक्सिस फ्लिपकार्ट का चेक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको चीज़ें इस तरह से खुल के आएगी। यहाँ पर आपका क्रेडिट लिमिट कितना है, अवेलेबल लिमिट कितना है, ये चीज़ें ऊपर में दिखाएगी। अनबिल्ड स्पेंड कितना हुआ, जिसका बिल नहीं बना, अनबिल्ड स्पेंड मतलब जिसका बिल अभी तक नहीं बना वो कितना है, तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। कन्वर्ट EMIs में कोई ट्रांजेक्शन हुआ, वो कन्वर्ट में कोई ट्रांजेक्शन आपने किया है, आपके पास उतने पैसे नहीं, आप सोच रहे हैं कि EMIs में पे करके ही हम उसे पे कर लें, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। टोटल ड्यूज़ वगैरह यहाँ पर डिटेल्स में लिखी होती है। लास्ट पेमेंट आपने कितना किया वो भी यहाँ पर होता है, लास्ट पेड अमाउंट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें सर्विसेज का भी ऑप्शन है, तो सर्विसेज पे क्लिक करके आप जो जो सर्विसेज मिलती है एक्सिस क्रेडिट कार्ड में, जैसे कि यहाँ पर अपग्रेड करना, लिमिट को इनहेंस करना, या फिर कोई ऑफर्स होता है लोन्स का क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वो यहाँ पर दिखता है, या फिर आपको कोई ट्रांजेक्शन को EMI में कन्वर्ट करना, आउटस्टैंडिंग बिल है आपका उसको EMI में कन्वर्ट करना है, तो वो चीज़ें यहाँ पर ऑफर सेक्शन में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर सभी कार्ड पर ये चीज़ें नहीं होती है। उसके बाद ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और डिटेल्स में आपको दी जाएगी ट्रांजेक्शन्स के बारे में, कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं, मीन्स अनबिल्ड अमाउंट यहाँ पर कब पेमेंट किया है आपने, ये चीज़ें यहाँ पर दिखती है। लास्ट ऑप्शन कंट्रोल सेंटर का, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल कंट्रोल्स आपको मिल जाता है, मीन्स डेबिट कार्ड को मॉडिफाई करना, लिमिट्स वगैरह होता है, यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को मॉडिफाई करना है, बंद करना, ऑन ऑफ करना, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को ऑन ऑफ करना है, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखती है। लिमिट्स को अपग्रेड करना है, यहाँ पर लिमिट को आपको डिक्रीज़ करना है, डाउनग्रेड करना है, या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को ऑन ऑफ करना है, या फिर ATM ट्रांजेक्शन को ऑन ऑफ करना है, POS ट्रांजेक्शन को ऑन ऑफ करना है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर से पिन सेटअप कर सकते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड का पिन सेट करना है, फिर क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करना है, ऑटो डेबिट ऑन ऑफ करना है, स्टेटमेंट देखना है, आप स्टेटमेंट यहाँ से देख सकते हैं एवरी मंथ यहाँ पर जो भी बिल आपका बनता है, तो यहाँ पर चीज़ें डिटेल्स में दिखी हुई है, देख सकते हैं 19 से 18 जब भी जो मंथ का देखना चाहते हैं यहाँ पर डिटेल में आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। मेन चीज़ें यहाँ पर आती है पेमेंट कैसे करना है क्रेडिट कार्ड का। पहले तो ये ऑप्शन होता था क्रेडिट कार्ड का पेमेंट यहाँ पर से आप कर सकते हैं, लेकिन नया जो अपडेट आया इसमें यहाँ पर कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखा कि पेमेंट ड्यूज़ का कैसे करना अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। तो जैसे ही आप कार्ड्स पे क्लिक करेंगे, जो भी कार्ड्स का पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर देखें ऊपर में ही लिखा हुआ करंट स्टेटमेंट करके ये चीज़ें देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ प्लीज़ मेक पेमेंट वाया पेमेंट्स और पे माई ड्यूज़ में, मीन्स पेमेंट का एक ऑप्शन है उसमें जाएंगे और पे माई ड्यूज़ का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो आपको सिंपली होम में चले जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं होम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन देखिए दिख रहा है, ये क्यूब लिंक्स के नीचे यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन है, प्रोडक्ट है, और यहाँ पर पे माई ड्यूज़ जो बारकोड की तरह दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके कार्ड के डिटेल्स दिख जाएंगे, जो भी कार्ड के यहाँ पर ड्यूज बाकी हो, जैसे 2 कार्ड के मेरे ड्यूज यहाँ बाकी है, 2 कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। नीचे यहाँ पर देखेंगे स्टेटमेंट में कि कौन सा कार्ड आपका है, तो इस कार्ड का पेमेंट करना है तो यहाँ पर टोटल ड्यूज देखिए लिखा हो, मिनिमम ड्यूज इतना है, यहाँ पर से पेमेंट कर सकें। सेकेंड वाले कार्ड का पेमेंट करना है तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर देख सकें इसका इतना ड्यूज बाकी है, मिनिमम ड्यू इतना है, तो मान लीजिए इसका आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर कार्ड से क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर अदर अमाउंट या फिर टोटल ड्यूज पेमेंट करना चाहते हो वो, या फिर आप मिनिमम ड्यू पेमेंट करना चाहते हैं वो, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि आप मुझे मान लो कि 1 रुपये में ही पेमेंट करता हूँ, मान 10 रुपये में पेमेंट करता हूँ। यहाँ पर एजेंसी कोड्स वगैरह ये सब फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, जब वो
किसी एजेंट्स के थ्रू होता है तो ये सब चल डालना होता है, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पर नीचे ऑप्शन है पेमेंट वाया एक्सिस बैंक या अदर बैंक, यहाँ पर दो ऑप्शन मिल गए, एक्सिस बैंक से भी कर सकते हैं, अदर बैंक से भी कर सकते हैं। अदर बैंक में यहाँ पर पहले एक्सिस बैंक से देख लेते हैं कैसे करना। तो यहाँ पर अकाउंट जो आपका होगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पे पे क्लिक कर लेंगे। कन्फर्मेशन विंडो आ जाएगा, कितने रुपीज़ आप पेड कर रहे हैं, आपका स्टैंडिंग रिमेनिंग बैलेंस इतना रहेगा। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो उसको डालना है तब पेमेंट होगा। पहले MPIN डालने से पेमेंट हो जाता था, लेकिन यहाँ पर अब OTP डालने से आपका पेमेंट होगा, MPIN डालने से पेमेंट कन्फर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर अदर बैंक से कैसे पेमेंट करना, तो आप अदर बैंक पे क्लिक कर लेंगे, पे पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कन्फर्मेशन विंडो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेमेंट गेटवे देखिए इस्तेमाल होगा, फ्री रिचार्ज का पेमेंट गेटवे होगा और सेटलमेंट जो होगा 2 working days लग जाएंगे अदर बैंक से अगर आप करते हैं रिफ्लेक्ट होने में। तो यहाँ पर डायरेक्टली पेमेंट करेंगे एक्सिस बैंक से तो इंस्टेंटली होता है, लेकिन अदर बैंक से करेंगे तो 2 working days का टाइम लग जाता है। ये आपको फ्री रिचार्ज के पेमेंट गेटवे पर लेके चला जाएगा। तो कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे अपने UPI IDs का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे या फिर जितने भी UPI बेस्ड एप्लीकेशन है उसका UPI ID आपके पास है, उसका UPI ID यहाँ पर लिख कर पेमेंट कर देंगे, या फिर डेबिट कार्ड का यूज़ करके भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके भी यहाँ पर इजिली पेमेंट कर सकते हैं। UPI सबसे ईजी है, ऐसे डायरेक्टली UPI एप्लीकेशन से ही मैंने बता चुका हूँ कैसे पेमेंट करना, तो ये वीडियो जाके आप देख लेंगे। डायरेक्टली UPI ऐप से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट गेटवे पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसका यूज़ करके ईजिली आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यही था एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का सिस्टम अपग्रेड। यहाँ पर बहुत सारे इंटरफेस वगैरह चेंज कर दी गई, लेकिन यहाँ पर इंटरफेस बहुत ही स्लो है। जितना देर में मैंने वीडियोज़ बनाए हैं कम से कम आधा से एक घंटा मुझे लग गया, क्योंकि सही तरीके से वर्क अभी भी नहीं कर रहा, इंटरफेस वगैरह स्लो ही है इसका, फास्ट काम नहीं। क्लिक करने पर आपको 10 से 15 सेकेंड वेट होता है, तब जाके कोई विंडोज़ खुल पाता है। नेट कनेक्शन सही होने के बाद भी ये चीज़ें हैं, और बार बार यहाँ पर डाटा रिट्रीव्स का भी ऑप्शन आता है, मीन्स लोड नहीं लेता, 3-4 बार आप रिफ्रेश करेंगे तो जाके आपको डाटा शो होता है। ये चीज़ें भी फिक्स करनी बहुत ज़रूरी है, इतना कर ही दिया है तो और भी चीज़ें, यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह चेंज हो गए लेकिन स्पीड नहीं आया, मीन्स इंटरफेस का जो स्लो है बहुत ज़्यादा स्लो है। जैसे एक्सिस बात करें, ICICI बैंक में जो आपका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह वो बहुत ही फास्ट काम करता है यहाँ पर, लेकिन इस केस में एक्सिस मोबाइल ऐप जब भी आप इस्तेमाल पहले भी करते थे तो इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा स्लो है, अभी भी स्लो है, बहुत सारे ऑप्शंस खुलते नहीं है, दिखते नहीं। यहाँ पर 3-4 बार आप रिफ्रेश ऑन करेंगे तब जाके ये ऑप्शंस आपको शो होते हैं, तो ये चीज़ें फिक्स करनी ज़रूरी है। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन, क्वारीज है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की ID आपको दिख रही होगी।